माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जम्मू कश्मीर दे विच पांच फौजी जवान शहीद हुए ने, जिन्हां नूं याद करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि देंदे हुए फोर्स यूथ क्लब के वलों अज गाहड़ी आता चौंक विखे जिथे शहीदी स्मारक बनाया गया उत्थे मोमबत्तियां बाल के जवानों नूं जिहड़ी है वह श्रद्धांजलि दी गई है। इत्थे मौके पर नौजवान मौजूद ने जिन्हां ने मोमबत्तियां बालियां ने ते अपनी दिलों श्रद्धांजलि दी है। भारत माता दे जयकारे लगाए गए ने, उत्थे उन्हां शहीदां नूं भी याद किया गया ते नाल दे नाल सरकारां नूं भी अपील की गई है कि जिहड़े भी इस कांड दे विच्चे दोषी ने उन्हां नूं बनती जी सज़ा वो दी जाए। सो इत मौजूद फोर्स यूथ क्लब के प्रधान पंकज जी आना गलबात करा तो उन्होंने जोड़े जज्बात ने वह भी जानते हैं। फोर्स यूथ क्लब की ओर तो गाड़िया के चौंक के जो कैंडल मार्च असं कट रहे हैं, पिछले कल तुम देख सकते हो जम्मू कश्मीर के पोंछे के जो आतंकिया वालों बहुत ही कायर हरकत करके इंडियन आर्मी की कानवाई के उत्ते एक ग्रनेड उन्होंने वालों सुटिया गया, जिद कि साढ़े आर्मी के पांच जो जवान है सेना वो शहीद हुए हैं, जिन्हों की चार जवान पंजाब के है। तुम देख सकते हो कि भारतीय जो सेना के जवान हर टाइम अपनी शहादत देने तैयार है, तैयार रहते हैं और इन्हों शहादत करके ही असी सुख की जो नींद है वो लै सकते हैं। असी सारे मोदी सरकार अगे भी ये मांग करते हैं कि जो भी इस हमले का मास्टर माइंड है उसते कड़ी तो कड़ी कार्रवाई करके उन्होंने सख्ती नाल कदम उठाए जान और साढ़े जो सैनिक शहीद होया उन्होंने शां उन्होंने आत्मा शांति इस करके ही मिलेगी अगर उन्होंने भी इसी तरह बंब के कारण आतंकवादियों का सफाया किया जाए। हमेशा तुम देख सकते हो कि भारतीय जो सेना हर टाइम अगे रही है और असी नौजवान सारे अपनी भारतीय सेना नाल खड़े हैं और जो ये सैनिक जो शहीद होया असी सारे उन्होंने परिवारों नाल भी खड़े हैं, हमेशा असी खड़े हैं, देश के नाल खड़े हैं। साडे नौजवानों की जिते भी साडे देश की लोड़ पेगी अभी हमेशा कंधे ना कंधा मिला के अपनी सेना नाल चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।